नमस्कार दोस्तों, योगा लाइफ में आपका स्वागत है। मैं उजाला कटारिया आज आपको धनुरासन के बारे में बताऊंगी, बो पोज, जिसमें हमारे शरीर का जो पोस्चर है, शरीर की स्थिति एक धनुष के समान हो जाती है। तो चलिए जानते हैं इसकी टेक्निक। सबसे पहले क्या करेंगे, लाई डाउन ऑन योर स्टमक, पीठ के पेट के बल सीधा ऐसे लेट जाएं, पेट के बल। अपनी चिन को जमीन के साथ लगाएंगे, पहले हाथ जो हैं बिल्कुल सीधे शरीर के साथ। एंड नाउ बेंड योर नीज एंड ब्रिंग योर हील्स एज क्लोज एज यू कैन टू योर बटक्स। देन आफ्टर दैट होल्ड योर एंकल इस तरह से, पूरा ऊपर से नहीं पकड़ेंगे, टॉप से सेंटर से अपने पैर को पकड़ लेंगे। कोहनियां बिल्कुल सीधी हैं मेरी। उसके बाद क्या करेंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे चिन अप करनी है, शोल्डर अप करने हैं और चेस्ट अप करनी है, और हाथों का सहारा लेते हुए अपनी नीज को जमीन से ऊपर उठाना है और अपने पैरों को अपने शोल्डर की तरफ पुल करेंगे इस तरह से। चिन को अप कर लें, स्माइल के साथ, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर करेंगे, जितना हो सके पैरों को और ऊपर ले जाएं। This asana cures constipation and also menses disorders. With the help of this asana, improve functions of kidney and liver. Hold rakhenge. वेट लॉस में काफी इफेक्टिव है ये, डाइजेशन को काफी इंप्रूव करता है, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए, धीरे धीरे पैरों को छोड़ दें और जमीन के साथ वापस। तो ये था धनुरासन। धीरे से बेबी पोज में आएंगे, चाइल्ड पोज, नीज को बेंड करते हुए एंड रिलैक्स। नाउ कम इनटू द सेंटर। तो ये था धनुरासन। जैसे कि मैंने बहुत सारे बेनिफिट्स बताए इसके, ये जो है हमारे स्टमक के जो डाइजेशन के सारे ऑर्गन्स हैं उसकी फंक्शनिंग को काफ़ी अच्छा करता है, हमारी जो बैकबोन है उसको काफ़ी मजबूत करता है, फ्लेक्सिबल करता है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इस आसन को ज़रूर करें, अपनी डेली रूटीन में इसे ज़रूर शामिल करें। अगर किसी तरह की सर्जरी हुई है, बैक में बहुत सीवियर पेन है, कोई ऑपरेशन हुआ है पेट का, किसी तरह के डॉक्टर ने मना किया है एक्सरसाइज करने के लिए, तो ये वो आसन ना करें, या फिर किसी के इंस्ट्रक्शंस में करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।